हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फैन क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे Realme UI 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 अपडेट के एक अलग टॉपिक के बारे में। और आज का टॉपिक है Realme UI 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 अपडेट का असली सच। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे सुनने के बाद आप खुद अपने डिवाइस पर जाके एक बार चेक करोगे कि मुझे क्या ये चीज़ मिला है या नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे Realme 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 के स्टेबल अपडेट के बारे में भी, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इस तरह के अपडेट न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करके रख सकते हो, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। बिना देरी के स्टार्ट करते आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें इस मंथ किस किस डिवाइस के अंदर अब जाके न्यू बैच या लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। तो इस मंथ आपको Realme 9 5G स्पीड एडिशन, Realme 8 Pro एंड Realme 9 4G, इन तीनों डिवाइस के अंदर Realme UI 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 का या लेटेस्ट अपडेट अब जाके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द इन तीनों डिवाइस के अंदर Realme UI 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 का या लेटेस्ट अपडेट रोल आउट होगा Realme की तरफ से। डेट अभी तक रिवील नहीं करा, डेट रिवील करते ही और अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब दोस्तों बात करें, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि Realme 8 4G, Realme Narzo 50 4G एंड Realme 8i के अंदर कब जाके अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट जो है Q2 2023, मतलब ये अपडेट आपको मार्च मंथ पे जाके देखने को मिलेगा। इस मंथ आई थिंक इन तीनों डिवाइस के अंदर Alexa अपडेट देखने को ना मिले। इस मंथ आपको सिर्फ इन्हीं तीनों डिवाइस के अंदर ये Alexa अपडेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो 8 4G, Narzo 50 4G एंड 8i 4G है, इन तीनों डिवाइस के अंदर आपको जो है मार्च मंथ पे जाके एलेक्सा अपडेट देखने को मिल सकता है रियलमी की तरफ से। बट इस मंथ जो है रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन, 8 प्रो एंड 9 4G, इन तीनों के अंदर रियलमी 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 का ये एलेक्सा अपडेट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों मुद्दे पे आते हैं असली सच के। भाई मैं आज सुबह एक वीडियो अपलोड करा है सुबह जाके चैनल पे, जहाँ पे हमने बात करी रियलमी Narzo 50 5G के अंदर न्यू अपडेट फीचर्स के बारे में, मतलब जो 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट आया है उसके फीचर्स के बारे में हमने बात करी। और ये टॉपिक आई थिंक सिर्फ 50 5G के साथ नहीं है, हर एक डिवाइस के साथ है जिसमें IPS पैनल है। मतलब जिस डिवाइस के अंदर रियलमी ने IPS डिस्प्ले यूज़ करा है, उन डिवाइस के अंदर रियलमी ने Realme UI 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 का टोटल फीचर्स प्रोवाइड नहीं करा है। फुल ऑफ फीचर्स जो है Realme 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 का वो प्रोवाइड नहीं करा है Realme ने। किस तरह के मेजर फीचर्स कट आउट किया गया मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो Realme 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 के, इंपॉर्टेंट ही नहीं, ये एक हाईलाइटेड फीचर्स थे जो सारे फीचर्स कट आउट किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करें विजिट सेक्शन के अंदर, आप यहाँ पे देखिए विजिट सेक्शन में आपको कोई भी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का नया विजिट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पुराने वाला 3.0 का विजिट्स था, वही सारे विजिट्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको कोई अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। बट जहाँ Realme ने AMOLED पैनल यूज़ करा है, मतलब AMOLED डिस्प्ले यूज़ करा है, वहाँ पे आपको जो है विजिट्स में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको बैटरी का अलग सा विजिट्स देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे नए नए विजिट्स देखने को मिलेगा। बट जिन डिवाइस के अंदर Realme ने IPS डिस्प्ले यूज़ करा है, वहाँ पे Realme ने कोई ऐसा विजिट्स, कस्टम विजिट्स प्रोवाइड नहीं करा है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स Realme ने कटआउट कर दिया है जहाँ पे Realme ने IPS पैनल यूज़ करा है। जैसे कि आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वही पुराने जो घिसे पिटे आइकन पैक्स थे, वही आपको देखने को मिलता है जो Realme 3.0 बेस Android 12 में था। Android 13 बेस Realme 4.0 का जो अपडेट का मेटेरियलिस्टिक एक आइकन पैक था, वो Realme ने यूज़ नहीं करा है इन डिवाइसेस के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वॉलपेपर पे क्लिक करोगे तो आपको कोई भी लाइव वॉलपेपर का फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लाइव वॉलपेपर नहीं है, ये भूल जाइए, पहले था Realme डिवाइसेस के अंदर। Realme 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 अपडेट के बाद कोई भी लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको कुछ स्टैटिक स्टॉक वॉलपेपर देखने को मिलेगा, वही आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट Realme डिवाइसेस के अंदर नहीं है आफ्टर 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 अपडेट। एक और इंपॉर्टेंट और हाइलाइटिंग फीचर्स Realme ने कट आउट कर दिया है इन डिवाइसेस के अंदर जहाँ पे IPS डिस्प्ले है। कौन सा वाला फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, मैं हर एक वीडियो में कहने की कोशिश करता हूँ, ये जो है फोल्डर रिसाइज का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके डिवाइस में एक IPS डिस्प्ले है और 4.0 बेस्ड एंड्रॉइड 13 का अपडेट आ गया है, तो आप चेकआउट कीजिए, आपके डिवाइस में जो फोल्डर रिसाइज का फीचर्स जो था, एक बहुत ही हाइलाइटिंग फीचर्स था, वो नहीं प्रोवाइड करा है Realme ने। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप AMOLED डिस्प्ले यूज़ करते हो Realme के डिवाइस में, तो वहाँ पे आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, सारे फीचर्स, कोई भी कटआउट नहीं किया गया फीचर्स में। बट जिन जिन डिवाइस के अंदर
IPS डिस्प्ले है, वहाँ पे आपको इन सारे फीचर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 अपडेट के साथ, ठीक है। एक और चीज़ भी नहीं मिलता है, सेल्फ कास्ट फीचर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल्फ रहता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे iOS जैसे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, वो नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट रिकमेंडेशन ज़रूर है, ये आपको बहुत भर भर के मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही था रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 अपडेट का असली सच, जहाँ पे रियलमी ने IPS डिस्प्ले यूजर्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दिया है अपडेट के साथ, बट AMOLED डिस्प्ले यूजर्स को सारे कुछ फीचर्स प्रोवाइड करा है सिर्फ IPS डिस्प्ले यूजर्स को छोड़ के। अगर आपके डिवाइस में IPS डिस्प्ले है तो आप ये मान लीजिए आपके डिवाइस में ज़्यादातर फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का, और ये सच आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बताऊँगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो, मैं मिलता हूँ साथ एक और नए वीडियो के साथ। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके डिवाइस में क्या सारे फीचर्स हैं रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 अपडेट का, नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।